डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। ये स्वैग देख रहे हैं आप, ये स्वैग वाले टीचर हैं हरीश चंद्र वर्मा यानी HC वर्मा। नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद ही कोई ऐसा साइंस ग्रेजुएट हो जो इंजीनियरिंग करना चाहता हो और उसका HC वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बुक से पाला ना पड़ा हो। अब उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट में लिखा गया है कि डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्कूल लेवल पर फिजिक्स एजुकेशन में क्रांति लाई है। ऐसे में देश भर के लाखों छात्र जिन्होंने HC वर्मा और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के दम पर इंजीनियरिंग का पहला पड़ाव पार किया है, वो सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स किताब को कठिन और अपने लेवल से बाहर की चीज भी बताकर मजे ले रहे हैं। बात HC वर्मा की करें तो बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिहार से ही हुई, पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर IIT कानपुर से मास्टर्स और PhD। IIT कानपुर में ही सालों तक प्रोफेसर भी रहे और अब रिटायर हो चुके हैं। पढ़ाई लिखाई में रुचि से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा HC वर्मा ने एक वीडियो इंटरव्यू में सुनाया था। वीडियो में वो बताते दिख रहे हैं कि उनकी पढ़ाई की जर्नी का कनेक्शन छठ से है। छठ पर ठेकुआ बनता है। वो बताते हैं कि एक बार उनकी माँ ने छठ पर ठेकुआ ज्यादा बनाया और शीशे के जार में उसे रख दिया। प्रोफेसर वर्मा की माँ ने उनसे डील की कि अपनी किताब कॉपी कलम लेकर एक घंटे बैठोगे तो 2 ठेकुए मिलेंगे। प्रोफेसर वर्मा को डील अच्छी लगी। अब इसी डील को लेकर वो थम कर बैठ कर पढ़ना सीख गए। नतीजा अब आपके सामने है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक को लिखने में HC वर्मा ने सालों लगाए हैं। फायदा ये हुआ कि फिजिक्स के वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं जो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम को निकालने और फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझने में कारगर साबित हुए।